हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के सेशन में सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एसएससी सीपीओ 2022 एग्जामिनेशन जो हुआ है, उसमें जो लोग अपियर हुए हैं उसके बारे में पता चल गया है। तो अटेंडेंस का आइडिया लग गया है और इस बार काफ़ी कम कॉम्पिटिशन है सीपीओ एग्जामिनेशन में पिछले साल के कंपेयर में। और आपको पता है सीपीओ की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है, तो जो लोग मेडिकली फिट हैं, जो लोग फिजिकली फिट हैं, ठीक है, उन लोगों के बहुत अच्छे चांसेस होंगे सिलेक्शन तक पहुंचने के। और बाकी लोग जिन्होंने पेपर दिया उनका पेपर अच्छा गया, तो डेफिनेटली आप फिजिकल की पूरी जान लगा के तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद AWO TPO का एनालिसिस के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे। मैंने एक सर्वे फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे दिया था, उसकी सारी कंपाइलेशन भी प्रोवाइड कर दिया। एनालिसिस ज़्यादा कुछ डिटेल में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता दूंगा सर्वे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, एवरेज स्कोर लोगों का कितना जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रफ आइडिया आपको लग जाए। बाकी जो अच्छे स्कोरर्स होते हैं वही हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। अपकमिंग क्लासेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, PDF के बारे में डिस्कस करेंगे, मैथ्स क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी SSC CGL 2022 एग्जामिनेशन के लिए जो आपको मिस नहीं करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो देख लेना, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के लिए और स्टेटिक पार्ट के लिए, जिसमें डांस फॉर्म्स आ गए आपके, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कराई हैं आपके लिए, जिस पे SSC बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है। टोटल 16-17 वीडियोज हैं जिसमें मैम ने ट्रिक्स की हेल्प से भी चीज़ें आपको कराई हैं, ठीक है। ट्रिक आपके ऊपर है कि आप खुद की बना ले तो बेहतर है, वरना मैम की ट्रिक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन सभी क्लासेस की वीडियोज अवेलेबल है, इसमें भी एक वीडियो और डाली जाएगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बाकी ये सारे के सारे वीडियो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज इनकी PDFs भी मैं आपको कल तक टेलीग्राम चैनल पर सारी की सारी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी एक बार स्पोर्ट्स वाली वीडियो डल जाए, वरना आज शाम तक जितनी भी अभी तक हुई है क्लासेस सबकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया बट आज डाल देंगे या मैक्सिमम कल तक, ठीक है, स्पोर्ट्स वाली वीडियो के बाद। दूसरी चीज, जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं जिसमें अभी फिजिक्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स आ गया, केमिस्ट्री का कंप्लीट क्रैश कोर्स आ चुका है, इसी में आपका पॉलिटी का क्रैश कोर्स भी आएगा, इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स भी आएगा और बायोलॉजी का भी क्रैश कोर्स आएगा, ठीक है। धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे क्रिएट होता रहेगा। तो 24 तारीख तक आपको मोस्ट प्रोबेबली ये तीनों क्रैश कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही बनता है मैं डाल देता हूँ, मैं ऐसा वेट नहीं करता कि हाँ ये डाला है तो बाद में डालेंगे, ठीक है। जल्दी जल्द आपके ये तीनों सेक्शंस के भी क्रैश कोर्स अपलोड किए जाएंगे। Tier 2 में भी हेल्प करेंगे आपके, Tier 1 में अगर आपके पास टाइम है, बाकी सारे सेक्शंस कवर हो चुके हैं, मैथ्स इंग्लिश रीजिंग में आप अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं, तो GK के क्रैश कोर्सेस भी आप एग्जाम से पहले देख के जाएंगे, तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिले। बाकी Tier 2 में तो ये मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि Tier 2 में भी अब GK पूछा जाता है, इसलिए कोई चिल रहो और अपनी तैयारी करते रहो। आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो यू नो वट टू डू, ठीक है। बार बार स्ट्रेटेजी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 की चैप्टर वाइज PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी, जिससे कि आप देख पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो मैंने कंप्लीट यूट्यूब पर करवा भी रखी है ऑलरेडी, जैसे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का 8.5 घंटे की एक वीडियो, ये कर लोगे आप, इससे बाहर क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ना Tier 1 में ना Tier 2 के अंदर। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स पूरा कंसेप्ट पढ़ा रखा है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं Tier 1 में, हो सकता है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बने तो खाली डिविजिबिलिटी रूल से पूछे और कहीं से पूछे भी ना, ठीक है, ऐसा बहुत बार देखा गया है, ठीक है। सीजीएल 2020 सीजीएल 2019 मैक्सिमम क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स के थे Tier 1 नंबर सिस्टम से, तो वो बहुत डिटेल में एक चीज समझाते हुए, जिसे कंसेप्ट भी समझना, वो वाली वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कंसेप्ट भी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैंने कराए थे, ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, ठीक है, 1 साल से ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्रैश कोर्स मैंने डाला था, ये वाली वीडियो देख सकते हैं अगर ये वाला टॉपिक कवर करना है, इससे आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, जो भी लेटेस्ट टाइप्स है वो कवर हो जाएंगे। बाकी जो हमारी जो अभी सीरीज चल रही है, ठीक है, मैथ्स रिविजन वाली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनकी मैं रिवीजन आपको करवाऊंगा। जैसे कल सिंप्लीफिकेशन का डालता था, तो बोर्ड मास का कंसेप्ट भी बता दिया था मैंने, ये वाली वीडियो देख लेना, एक क्वेश्चन आता ही आपके एग्जाम में तो 2 नंबर आपको मिल ही जाएंगे अगर ये आपने अच्छे से कर, ठीक है। इस बार कुछ लोगों का जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, लिमिटेड चीजें टारगेट कर रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन भी हो जाए मैथ्स में, बाकी GK रीजनिंग में करके कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे क्वालिफाइंग के टियर में, तो उनके लिए ये सीरीज सबसे बेस्ट रहेगी और बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनकी क्विक रिवीजन होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद SSC सीजीएल 2021 Tier 1 की प्लेलिस्ट, Tier 2 प्लेलिस्ट, वो सब तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। ये वाली सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मैथ्स के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सपोर्ट जैसे चल रहा है वैसे मिलता रहेगा, तो हम बहुत अच्छे कंटेंट बनेंगे। आज मैं परसेंटेज चैप्टर की कंप्लीट वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें लेटेस्ट टाइप्स के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। वीडियो की लेंथ लगभग 2 घंटे के आसपास हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे SSC CPO 2022 एग्जामिनेशन, ठीक है, टोटल 727110 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, और इसमें जो अपियर हुए हैं कैंडिडेट्स, टोटल 293180 कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं, ठीक है। तो अगर अटेंडेंस की मैं बात करूं, यहाँ पे रीजन वाइज अटेंडेंस आप देख सकते हैं, देखो 2018, 2019, 2020, 2022 की देख सकते हैं, 2021 में सीपीओ का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप लगभग हमारे पास 6.5 लाख से
ऊपर चल रहे थे और इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ था क्योंकि वैकेंसीज भी काफी ज्यादा थी। इस बार 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन अपियर होने वाले हमारे पास 2.93 लाख कैंडिडेट्स रहे, तो 40% हमारी अटेंडेंस रही। लेकिन अगर वैकेंसीज की बात करें, देखो अटेंडेंस में यहाँ पे बहुत मेजर फर्क नहीं है, यहाँ पे 2.6 लाख था, यहाँ पे 2.2, यहाँ पे 2.9, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वैकेंसीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है पिछले साल के कंपेरिजन में, ठीक है। 2017, 18, 19, 20, और अगर आप 20 से कंपेयर करें 2022 की वैकेंसीज को, तो ये लगभग 2.8 टाइम समथिंग कुछ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने सीपीयू का एग्जामिनेशन दिया, मोस्ट प्रोबेबली टीयर वन की कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी और उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ भी कम जाएगी। तो अपना फिजिकल और मेडिकल के अच्छे से अपने आपको प्रिपेयर रखें। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के डेटा की अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो सर्वे में डेटा आया था 1500 कुछ लोगों का आया था, ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे ही शेयर किया था। इसकी हर तरह की कंपाइलेशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए, मॉक फॉर्मेट में, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, ऑफिशियल फॉर्मेट में पीडीएफ, शिफ्ट वाइज पीडीएफ, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही डाल दी, जैसे आंसर की आई थी, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ जो हमारे सर्वे में पार्टिसिपेशन रहा 1500 कुछ लोगों का रहा, शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं लोगों ने एवरेज कितना कितना स्कोर किया, ठीक है। ये एग्जाम डे एंड शिफ्ट है, ये जीके है, ये जीएस में एवरेज स्कोर है, ये मैथ्स में, ये रीजनिंग में, ये कंप्यूटर में, और ये टोटल एवरेज मार्क्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 की 6 शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर जा रहा है हर एक शिफ्ट में लगभग सेम से जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस 3, मतलब अगर मैं बात करूं मोर और मैक्सिमम आपके किसी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे तो 5 तक बढ़ेंगे, उससे ज्यादा मुश्किल है किसी शिफ्ट में नंबर बढ़े, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मोर और लेस सभी 86 के आसपास उन्होंने एवरेज हर शिफ्ट में लोग स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 84 से 88 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। और हमारे सर्वे में जो पार्टिसिपेशन है उनके मार्क्स अगर हम देखें, 50 या 50 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने कैंडिडेट्स हैं टोटल, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 60, 65, 70 से ज्यादा वाले, और अगर मैं देखूं 80 से ज्यादा स्कोर करने वाले बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं, टोटल 17 कैंडिडेट्स हैं, 85 से ऊपर स्कोर करने वाले सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर डेटा को आप चेक करें क्या क्या कट ऑफ जाती थी, उससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। इसके डिटेल में एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा मैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की जो चैप्टर वाइज पीडीएफ है, जो पेड कोर्स यूजर्स हैं उन चैप्टर वाइज पीडीएफ कल तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्लीट एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कोई भी एग्जामिनेशन में किसी का आप आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट में कुछ सिलेबस का हल्का बहुत डिफरेंस होता है, कोई टॉपिक आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन सीजीएल के हिसाब से हम सारी चीजें कवर करते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक्स आप एमटीएस दें, जीडी दें, कोई भी एग्जाम दें, सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। सीजीएल टीयर 2 लेवल तक सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। सारे कोर्सेस अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के, मैथ्स का, जीके, रीजनिंग, इफ यू वॉन्ट इंग्लिश, जो भी आपको तैयारी करनी है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सेपरेट सब्जेक्ट का लेना है या कंप्लीट लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अपनी तैयारी जैसे भी कर रहे हैं आप करते रहें, फ्लो बनाए रखें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।